नगर निगम परिषद की आखिरी बैठक बुधवार को हंगामे के साथ शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख ने जैसे ही शाहीन बाग में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई बच्चे की मौत पर श्रद्धांजलि दी, सत्ता पक्ष उग्र हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेता बैठक में सीएए एनआर और एनआरपी के विरोध में बैच लगाकर पहुंचे थे। हंगामे के बीच सदन में देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, वंदे मातरम के नारे लगे। इस पर विपक्ष ने पूछा कि देश का गद्दार कौन है, यह भी बताए। इसके बाद विपक्षी पार्षद धरने पर बैठ गए। बुधवार को निगम पार्षद की आखिरी बैठक आयोजित की गई। नई परिषद के गठन होने तक शहर में अफसर सरकार चलेगी। इसके साथ ही नगर निगम महापौर मालिनी गौड़ और 85 पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। अंतिम दिन महापौर और पार्षद कार्यकाल का लेखा जोखा पेश होना है। बैठक के बाद संभागायुक्त निगम प्रशासक का प्रभार संभालेंगे। इंदौर निगम में 26 साल बाद ऐसा होगा। इससे पहले 1994 तक प्रशासक निगम को चला रहे थे। निगम परिषद की आखिरी बैठक हंगामे के साथ शुरू हुई। सीएए के विरोध में पार्षद पद से इस्तीफा देने वाले उस्मान पटेल को व्यवस्था नहीं देने पर उठाए गए सवाल। इस पर सभापति अजय सिंह नरूका ने पत्राचार के अभाव में व्यवस्था देने से इनकार किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने शाहीन बाग में 4 माह की बच्चे की मौत पर श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष के ऐसा करने पर सभापति ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे खारिज कर दिया। इसके बाद सदन में विवाद शुरू हो गया। सभापति की मौजूदगी में पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गए। पार्षद अनवर दस्तक निगम परिषद की आखिरी बैठक में जलकार्य समिति के अध्यक्ष बलराम वर्मा पर खूब बरसे। नागरिकता कानून को लेकर हुई तीखी बहस में अनवर दस्तक ने कहा कि अब तक केंद्र सरकार यह काला कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इन प्रदर्शनों में मैं शामिल होऊंगा और इस तरह के प्रदर्शनों का समर्थन करूंगा। अगर आप जैसा कोई सीएए का समर्थन करेगा तो उससे बहस करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बलराम वर्मा द्वारा सीएए एनआरपी और एनआरसी का विरोध कर रहे विपक्ष पार्षदों पर टिप्पणी से विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि यह लोग कानून को समझे बिना उसका विरोध कर रहे हैं और सड़क को जाम कर रखा है। ऐसे लोगों को बलपूर्वक हटा दिया जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए पार्षद अनवर दस्तक ने कहा कि सीएए संविधान विरोधी कानून है। देश के तमाम दलित संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम बुद्धिजीवी और कानून के जानकार सीएए को संविधान विरोधी और एनआरसी को बदीनियत से भरा कदम निरूपित कर रहे हैं। सांप्रदायिक तत्व समझना भी ही नहीं चाहते कि दलित और मुस्लिम समाज की चिंताएं क्या है, सरकार सुनना नहीं चाहती। ऐसे में प्रदर्शनकारियों के पास यही रास्ता बचता है कि वह गांधीवादी तरीकों से आंदोलन करें। आप भी देखें सदन में कैसे हंगामा शुरू हो रहा है। JBD Banquets lie here. Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।